हाउ टू डाउनलोड एक्सिस बैंक बैंक स्टेटमेंट ऑनलाइन। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपना एक्सिस बैंक का बैंक स्टेटमेंट जो है ई स्टेटमेंट कैसे आप डाउनलोड कर सकते हो। तो वीडियो पे बने रहिएगा और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा और साथ ही साथ दोस्तों इस वीडियो को एक लाइक अभी कर दीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, आपको ऑनलाइन डाउनलोड करने के लिए एक तो आपके पास इंटरनेट बैंकिंग होना चाहिए, दूसरा आपके पास एक्सिस मोबाइल एप्लीकेशन होना चाहिए, ठीक है। प्रोसेस बिल्कुल भी सेम ही है, प्रोसीजर बिल्कुल भी सेम ही है। मैं आपको जो मोबाइल एक्सिस मोबाइल में दिखाऊंगा, नेट बैंकिंग में आप सेम फॉलो कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक्सिस मोबाइल एप्लीकेशन खोल लेता हूँ और उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर क्या करना होगा, सबसे ऊपर आपको राइट साइड पर आपको लॉगिन पर क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर अपना एम पिन भर देना है और उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे ऊपर लेफ्ट साइड में तीन लाइन दिखाई दे रहा है साइड बार, वहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद में आपको यहाँ पे क्या करना है, सर्विस एंड सपोर्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद में आप देख सकते हो कि थर्ड ऑप्शन ई स्टेटमेंट है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद में दोस्तों आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आई एग्री पे क्लिक करना है, ठीक है। और उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर रजिस्टर फॉर ई स्टेटमेंट पर भी आपको मार्क कर देना है, ठीक है। तो दोस्तों उसके बाद में दोस्तों आपको यहाँ पे क्या करना है, सबमिट पे आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे आप सबमिट पे क्लिक कर देते हैं, दिस ईमेल आईडी एंटर्ड विल बी अपडेटेड एंड रजिस्टर्ड फॉर द ई स्टेटमेंट, ओके आपको कर देना है, ठीक है। तो ओके करने के बाद में यहाँ पे आपको फिर से एम पिन भर देना है। एम पिन भरने के बाद में दोस्तों द रिक्वेस्ट फॉर अपडेटिंग द ईमेल आईडी एंड रजिस्टरिंग द सेम फॉर ई स्टेटमेंट हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली। तो दोस्तों मेरा यहाँ पे ईमेल आईडी भी अपडेट हो गया, साथ ही साथ मेरे ईमेल आईडी पे ई स्टेटमेंट भी आ चुका है। उसके बाद में आप अपना मेल जाके चेक कीजिएगा, आपका ई स्टेटमेंट आया हुआ रहेगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।